तो आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो। तो जैसे कि आपने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, मेरे मिनी ब्लॉग में चांद दिख गया था कल, और आज है पहला रोजा, और अभी सुबह के बच चुके हैं 4। तो मैं जल्दी से अपना मुंह हाथ धोकर रेडी हो जाऊँ, कॉलगेट वगैरह करके आ गया हूँ। अब खाना खाते हैं, जल्दी से सहराई करते हैं। तो जल्दी से मैं सहराई वगैरह कर लेता हूँ, आज रोटी बनाइए और भी देखते हैं अभी क्या खाएंगे। तो रोटी खाने के बाद सिमैया भी बन चुकी थी, तो सिमाइए थोड़ी देर खाने के बाद मैंने दही और खा लिया, क्योंकि एक कटोरी में। तो गाइस कुछ ही देरी बची है बस सैरी खत्म होने में, जल्दी से चाय और पी लेते हैं लास्ट वाली। तो फाइनली गाइस पूरी सैरी कर ली हम दोनों ने, मैंने और बहन ने, क्योंकि आपको पता होगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा कि अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए वो रोजा नहीं रख रहा आज। तो फाइनली गाइस टाइम भी हो चुका है रोजे का, 5:28 हो चुकी है। थोड़ा सा अजान होने के बाद अब 6 भी बजने वाले हैं, क्योंकि जमात खड़ी होती है 6 बजे नमाज की, फजर की। तो अब मैं जाता हूँ जल्दी से फजर की नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस मैं नमाज वगैरह पढ़ के आया तो मेरे को पता ही नहीं चला कब नींद आ गई थी, फिर उठा मैं 11 बजे करीब, अम्मी ने उठाया जल्दी से, उड़े आओ और फिर नहा लियो भी तू। तो सुबह के 11:30 बज चुके हैं गाइस, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। गाइस कमेंट करके बताना आपने फर्स्ट रोजा रखा था कि नहीं रखा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ नहा धोकर, और अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है, जोहर का नमाज पढ़ेंगे, फिर आराम करके सो जाएंगे, फिर उठेंगे शाम को। ठीक है गाइस, तब तो वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, तो जल्दी से सट फट टोपी उठा के मैं चला। गाइस अभी जोहर का नमाज का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और फिर करेंगे आकर आराम। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी जोहर की नमाज भी पढ़ के आ गया हूँ, अभी बज चुके हैं 2:30, और अब मैं जा रहा हूँ दोबारा सोने के लिए। अब उठूँ गाइस मैं चले गया दोबारा सोने के लिए, जा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि उठूँगा अब शाम के टाइम पर, नमाज का टाइम होगा ना असर का, जब उठूँगा। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, जब तक लाइक कर दो आप। ओके 2-2.5 घंटे सोने के बाद अब उठ गया हूँ मैं, अब बज चुके हैं शाम के 5, और अभी मैं जाऊँगा वजू करने के लिए। तो गाइस अभी है ना शाम के 5 बज चुके हैं, और असर की नमाज होने वाली है, मैं जा रहा हूँ अब नमाज पढ़ने, फिर आपको मिलता हूँ नमाज पढ़ने के बाद। ठीक है गाइस, तो गाइस असर की नमाज भी मैं पढ़ के आ गया हूँ। तो गाइस अभी है ना 6:30 बज चुके हैं, और अभी लगभग 15-20 मिनट बची हैं रोजा खुलने में, और अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद में एक तैयारी देने के लिए। गाइस अपने इख्तियार रेडी हो चुका है, अभी दिखाता हूँ आपको, और अभी कुछ देर में रोजा भी खुलने वाला है। गाइस इख्तियारी भी रेडी हो चुकी है, वहीं देखिए ये कुछ आज इससे खोलेंगे रोजा, थोड़े फल फ्रूट हैं और मंगोड़े वगैरह हैं, पापड़ वगैरह भी हैं, और मेन चीज तो ये खजूर है गाइस। तो फाइनली गाइस अजान भी हो चुकी है, अब रोजा खुल गया है, अब रोजा जल्दी से खोल लिया हमने भी, समय पहले खजूर खाकर रोजा खोलना चाहिए जरूर। तो गाइस खजूर वगैरह खाकर अब मैंने थोड़ा चने वगैरह और खा लेते हैं, फिर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस नमाज वगैरह पढ़ के आ गया, तो फिर मैंने कि खाना और खा लेते हैं जल्दी से, आज रात के खाने में बनी है कीमे की कचौड़ी। तो गाइस कमेंट करके बताना हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, पहले रोजे वाला, आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, और गाइस कमेंट करके बताना मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ क्या, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं डेली जरूर करूँगा, आप कमेंट कर देना एक छोटा सा, बड़ी वीडियो अपलोड करूँ या मिनी ब्लॉग अपलोड करूँ। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ तरावी पढ़ने के लिए, 8 बज चुके हैं, और अभी आपको मिलूंगा तरावी पढ़कर। ठीक है गाइस, जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो गाइस तरावी पढ़ के आया था मैं, जल्दी से नींद आ गई थी, अब सो गया था। और गाइस जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।